हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोग का स्वागत है एक नई और फ्रेश वीडियो में। तो आज मैं आया था कुमार ऑटो व्हील्स महिंद्रा के शोरूम में। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले महिंद्रा को। तो अभी आप देख रहे हैं इसका S9 वेरिएंट। तो करते हैं भाई इसका डिटेल रिव्यू विद ऑन रोड प्राइस। ऑन रोड प्राइस मैं आप लोग के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन भी दबा देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके की से। तो आपको ऐसी कुछ की मिलेगी इसमें S9 वेरिएंट के अंदर। एक आपको मिल जाती है रिमोट की और जो दूसरी वाली की है आपको मिलती है फोल्डेबल वाली, लेकिन इसमें रिमोट का कोई भी फंक्शन नहीं मिलता। इसमें आपको लॉक करने का, अनलॉक करने का और साथ में यहाँ पर जो स्टार बना हुआ है ये देख सकते हैं, इसको अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो इस तरीके से आपकी जो गाड़ी है तो आपकी गाड़ी बीप करनी शुरू कर देती है। जैसे अगर आपको गाड़ी फाइंड करनी है कहीं, आपने काफ़ी मतलब भीड़ वाले एरिया में रख दी गाड़ी, तो उस वक्त ही काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो बात कर लेते हैं इसके फ्रंट लुक से। तो गाड़ी का फ्रंट का लुक काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लगता है और काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड लगती है गाड़ी, और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है गाड़ी स्कॉर्पियो और काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं लोग इस गाड़ी को। तो अभी आप देख रहे हैं इसका S9 वेरिएंट और डीजल के अंदर ही ये गाड़ी आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी ग्रिल की। तो आपको ऐसी ग्रिल मिलती है जो कि महिंद्रा की सिग्नेचर ग्रिल है। यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको दोनों तरफ मिलते हैं और बीच में आपको एक मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का आपको जो ये डी कट में आपको जो इसका ग्रिल है वो मिलती है, महिंद्रा का लोगो। एंड नीचे की तरफ आते हैं तो ये आपको जो फ्रंट का जो बम्पर है इसमें आपको जो ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, तो ये एसरीज का पार्ट है, इसमें इंक्लूड नहीं करूँगा ऑन रोड प्राइस के अंदर। तो यहाँ पर जो एसरीज है इसमें देख सकते हैं महिंद्रा की बैचिंग, तो ये आप अलग से लगवा सकते हैं। नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आपको फॉग लैंप मिल जाता है जो कि हैलोजन के अंदर ही रहेगा। एंड ये कुछ इसकी आपको इसकी हेडलाइट मिलती है जिसके अंदर आपको प्रोजेक्टर का सेटअप मिलता है, कॉर्नरिंग लाइट मिल जाती है इसके अंदर आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर भी आपको एक हाई बीम लो बीम का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर मिलता है DRL जो कि इंडिकेटर का भी काम करता है, इंडिकेटर आपको मिल जाता है नीचे की तरफ, ये आपका सिर्फ DRL का काम करेगा। एंड इसका जो बोनेट है देख सकते हैं, इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा ऊपर मिलती है आपको, काफ़ी ऊंचा मिलता है इसका बोनेट, और यहाँ पर आपको एक एयर वेंट मिल जाता है जिससे जो इंजन है इस ठंडा करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। यहाँ पर आपको जो वाइपर का वाटर का फंक्शन मिलता है वो यहाँ पर मिल जाता है इसके बोनेट के ऊपर। चलते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तरफ। तो ये है गाड़ी का साइड का प्रोफाइल। तो यहाँ पर आपको जो एम हॉक की बैचिंग वो मिल जाती है, एंड D140 मतलब कि 140 PS की ये पावर जनरेट करता है। एंड ये इसका टायर जो कि 17 इंच के अंदर मिलेगा, ब्रिजस्टोन का टायर मिलता है। एंड इसमें अलॉय व्हील नहीं मिलेगा S9 वेरिएंट के अंदर। एंड यहाँ पे व्हील कवर मिल जाता है महिंद्रा का लोगो। एंड फुट स्टेप आपको मिल जाता है जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एंड जो इसका ORB में काफ़ी बड़े साइज़ का मिलता है, जिस तरीके से गाड़ी बनाई गई है उसी तरीके से इसका ORB भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिया गया है। इंडिकेटर आपको मिल जाता है साथ में। एंड ये भी एसरीज का पार्ट है जो ये महिंद्रा की तरफ से इसका जो वाइजर लगा के दिया हुआ है, तो ये मैं इंक्लूड नहीं करूँगा ऑन रोड प्राइस के अंदर, आप लोग देख लो। यहाँ पर स्कॉर्पियो की बैचिंग, एंड जो इसके डोर हैंडल है वो बॉडी कलर के अंदर ही मिलते हैं। एंड जो जो ग्लास एरिया है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिया गया है, ऊपर आपको रूफ रेल मिल जाएगा। एंड गाड़ी की हाइट काफ़ी ज़्यादा ऊँची है, देख सकते हैं मेरा हाथ भी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। एंड यहाँ से आप फ्यूल वगैरह इसमें डाल सकते हैं। ओके गाइस, तो बात कर लेते हैं इसके रेयर प्रोफाइल की। तो यहाँ पर आपको जो डी शेप में इसकी टेल लैंप दी जाती है और यहाँ पर स्कॉर्पियो की बैचिंग आपको दिख रही होगी। एंड इसका जो डोर हैंडल है पीछे, डोर खोलने का जो इसका बूट का खोलने का ऑप्शन है वो इस तरीके का मिलता है। एंड ये इसका वाइपर वॉशर आपको ऊपर मिल जाता है, डिफॉगर मिल जाता है, लिव यंग लिक फ्री की बैचिंग मिल जाती है, स्कॉर्पियो S9 की यहाँ पर बैचिंग मिल जाएगी। एंड यहाँ पर माइक्रो हाइब्रिड की बैचिंग मिलती है। एंड इसमें आपको कोई भी जो बैक कैमरा होता है वो नहीं मिलेगा। यहाँ पर नंबर प्लेट की प्लेसमेंट मिलती है, पीछे भी आपको फुट स्टेप मिल जाता है, ये एसरीज का पार्ट है। एंड यहाँ पर दो रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिल जाता है। अगर मैं इसकी बूट की बात करता हूँ तो इसका डोर काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड और काफ़ी ज़्यादा बड़ा खुलता है। एंड यहाँ पर आपको दो स्पीकर मिल जाते हैं पीछे के वाले डोर पे। एंड यहाँ पर लॉक अनलॉक करने का जो ये खोलने का डोर है इसको मिल जाता है ऑप्शन, और यहाँ से आप ग्रैब करके डोर को बंद कर सकते हैं। एंड पीछे आपको जो अंदर सीट कवर दिख रही है इंस्टॉल, ये भी एसरीज का पार्ट है। तो ये मैं जो भी एसरीज का पार्ट है इसको इंक्लूड नहीं करूँगा। तो जो भी एसरीज में लगी हुई है ओवरऑल 20,000 रुपये की लगी हुई है, ठीक है। बाकी यहाँ से इसका जो फ्यूल लिड ओपनर आप खोल सकते हैं, और इधर पर जो BS6 के नॉम के अंदर आता है जो फ्यूल एक डालने का आता है सिस्टम, इसमें एक मैं आप लोग के लिए मेंशन कर दूंगा, इधर पे मुझे नाम पता नहीं है प्रॉपर, तो यहाँ पर साइड में दिख जाएगा मेंशन कर दूंगा। एंड पीछे कुछ आपको इतनी स्पेस मिल जाती है, और सीट आप देख सकते हैं दो बंदे आराम से बैठ के जा सकते हैं। तो प्रॉपर अगर देखी जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल ड्राइवर को मिला के 7 बंदे इसमें जा सकते हैं। एंड ये भी इसका गार्ड जो पीछे वाला बम्पर गार्ड है ये भी एसरीज का पार्ट है जो कि 20,000 के अंदर इंक्लूड होगा। और तो मैं प्राइस बता देता हूं आप लोग को इसका, मुझे प्राइस मैंने पूछ लिया था अभी, 18,10,000 रुपये का ऑन रोड प्राइस है विदाउट एसरीज। अगर आप एसरीज के साथ जो मैंने आपको दिखाई है इस गाड़ी के अंदर वो लेते हैं तो 18,30 की गाड़ी पड़ेगी। यहां से आप फ्लूड वगैरह जो होता है उसका BS6 नॉम के अंदर जो आता है वो डलवा सकते हैं। एंड
जो ये वाइज़र है इसमें भी देख सकते हैं क्रोम वाले वाइज़र दिए गए हैं। यहाँ पर महिंद्रा का लोगो, ये भी एस सीरीज़ का पार्ट है। एंड ये फुट स्टेप, तो चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर। तो मैं सबसे पहले आप लोग को इसका इंजन दिखा देता हूँ। तो यहाँ से इसका बोनेट ओपन होता है, एंड जब आप बोनेट ओपन करते हैं तो इस तरीके से जो इंडिकेटर है वो जलना शुरू हो जाता है, तो देख सकते हैं। तो बोनेट को खोल लेते हैं हम, तो इसमें हाइड्रोलिक का ऑप्शन मिलता है, देख सकते हैं। तो काफ़ी सही चीज़ मिल जाती है। एंड यहाँ पर आपको जो इंसुलेशन दी गई है अच्छी खासी, और जो एसी जो एयर वेंट था आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से इसका वेंट खुलता है और जो इंजन है इस वाले एरिया में हवा जाती है, जो बाहर की हवा होती है। और जो इंजन है इसको कवर किया गया है, ऐसा कुछ इंजन मिलता है स्कॉर्पियो का, डीजल इंजन के अंदर ये आती है। इसकी स्पेक्स की बात करते हैं तो वो आपको डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगी, आप पॉज करके देख सकते हैं। तो बंद कर लेता हूँ मैं बोनेट को, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। और जो एंटीना है वो आपको मिलता है आगे की तरफ यहाँ पर, तो देख सकते हैं। तो अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर। सीट की बात करते हैं, इसमें आपको मैनुअल हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। एंड जो सीट कवर है ये भी एस सीरीज़ का पार्ट है, यहाँ पर स्कॉर्पियो की बैचिंग मिल जाती है। उससे पहले मैं आप लोग को इसका डोर पैनल दिखा देता हूँ। तो ऐसा कुछ डोर पैनल है इसका, वाइटिस कलर का, वाइटिस पूरा नहीं, प्योर वाइटिस नहीं है, थोड़ा सा क्रीम कलर का आपको मिलेगा। एंड यहाँ पर फैब्रिक फिनिश दी हुई है, इधर पे विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर आपको जो डार्क ग्रे कलर का ये पैनल मिलता है, और यहाँ से आप डोर को ओपन कर सकते हैं। स्पीकर आपको मिल जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ आप सामान वगैरह इसमें फंसा के रख सकते हैं, और कुछ स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाती है। ट्विटर की प्लेसमेंट आपको डोर पर नहीं मिलेगी, ट्विटर आपको शायद अंदर की तरफ भी नहीं मिलते इस वाले वेरियंट में। तो भाई अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके स्टीयरिंग की, एडजस्टमेंट की बात करते हैं। तो इसमें आपको टिल्ट मिल जाता है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलेगा इसमें, महिंद्रा की बैचिंग। यहाँ पर एयरबैग मिल जाते हैं दोनों तरफ, एसआरएस एयरबैग। एंड यहाँ पर कंट्रोल्स मिल जाते हैं इसके म्यूजिक सिस्टम के, और यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल वगैरह मिल जाता है, और एमआईडी के कंट्रोल मिल जाते हैं। और ऐसा कुछ मिलता है इसका मीटर कंसोल, अगर मैं गाड़ी को स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ तो। इस तरीके से आपको साउंड इफेक्ट देख सुनने को मिलेगा इसके अंदर। तो बंद कर लेते हैं अब। एंड राइट टॉगल में आपको इंडिकेटर लाइट और फॉग लैंप के कंट्रोल मिल जाएंगे, राइट टॉगल में आपको वाइपर के कंट्रोल मिलते हैं, और म्यूजिक सिस्टम आपको मिल जाता है यहाँ पर, और नॉब इसमें देके रखे हुए हैं। और इधर आपको ऑटोमेटिक एसी क्लाइमेट मिलता है आपको, ये S9 वेरिएंट है। और यहाँ पर इस तरीके के आपको एसी वेंट मिलेंगे बीच में, इसमें क्रोम का काम किया हुआ है। एंड डैशबोर्ड की बात करते हैं, इसमें हार्ड प्लास्टिक मिलेगा। एंड बीच में जो IRB में काफ़ी छोटे साइज़ का मिलता है, जिस हिसाब से गाड़ी दी गई है उस हिसाब से इसका साइज़ नहीं दिया गया है। और यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर मिल जाएगा, एंड यहाँ पर आपको कोई भी टिकट होल्डर नहीं मिलता वाइजर पर। एंड इस सनसेट पे आपको कोई भी, मतलब इस वाले सनसेट पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा। एंड यहाँ पर ग्रैब हैंडल मिल जाएगा कोट हुक के साथ। एंड पीछे की लाइट आपको देख सकते हैं यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर लाइटें मिल जाती है आपको, तो इस तरीके से आप इसको जला पाएंगे। और यहाँ पर माइक मिल जाता है। राइट की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको लाइट के कंट्रोल मिल जाते हैं, मतलब ORBM के कंट्रोल मिल जाते हैं। लेफ्ट और राइट इसको आप यहीं से सेट कर पाएंगे। फोल्ड अनफोल्ड करने का आपको हाथ से फोल्ड अनफोल्ड करना पड़ेगा। और फ्यूल लिड ओपनर है, आप यहीं से खोल पाएंगे। लाइट लेवलर का बटन मिल जाता है, ठीक है। और ये पीछे आपको जो डिफॉगर बटन दिया हुआ है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। ऐसा कुछ मिलता है आपको बीच का कंसोल, यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आप फ़ोन वगैरह आप रख सकते हैं। और ये इसका गियर नॉब, सिल्वर फिनिश मिलती है, और 6 गियर के अंदर ये गाड़ी आती है। डीजल है और एक रिवर्स, साथ में यहाँ पर ग्रे स्केल आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एक पैड मिलता है जिसमें स्लिपरी, मतलब जो भी अगर फ़ोन वगैरह रखते हैं तो स्लिप नहीं होगा। एंड यहाँ पर 2 कप होल्डर मिल जाता है इसका, ये हैंड ब्रेक है। एंड साथ में मतलब दोनों जो सीट है इनका डिफरेंट आपको अलग अलग हैंड रेस्ट मिल जाता है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। ग्लो बॉक्स की बात करते हैं तो इतनी आपको कुछ स्पेस मिलती है, ठीक ठाक स्पेस है, अपना डॉक्यूमेंट वगैरह इसमें रख पाएंगे, उतनी ज़्यादा बड़ी स्पेस आपको नहीं मिलेगी इसके अंदर। और इस तरीके का आपको जो फिनिश है इसके अंदर मिलती है, देख सकते हैं डिज़ाइन आपको दिख रहा होगा। तो अब चलते हैं पीछे वाली सीट पर। तो ये है रेयर का डोर पैनल, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आपको हैंडल मिल जाता है, यहाँ पर विंडो का बटन मिल जाता है, यहाँ पर आप कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं अपना। एंड ये इसका डोर ओपनर, यहाँ पर आपको बोटल होल्डर मिल जाता है, और कुछ ऐसे ही आपके पीछे की सीट। इसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, साथ में जो ये जगह दी हुई है इस वाले मॉडल में, जो बीच में आर्मरेस्ट आता है वो नहीं मिलता, ये खाली जो टॉप एंड मॉडल है उसमें मिलेगा। एंड गाड़ी के अंदर चलते हैं हम।
तो ऐसा कुछ है इसका डैशबोर्ड का लुक, पीछे से आप लोग देख लो डैशबोर्ड का लुक ऐसा कुछ मिलता है। एंड स्पेस वाइज गाड़ी काफ़ी ठीक ठाक है। अभी सीट जो है मैंने पूरी पीछे करी हुई है। एंड यहाँ पर पॉकेट, मतलब ये तो इसका सीट कवर है, बाकी भाई यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिलते हैं कोट हुक के साथ। और जो विंडो एरिया है ना काफ़ी बड़े साइज़ का मिलता है इसके अंदर। पीछे आपको एसी वेंट मिल जाएंगे दो, और इसमें आपको ब्लोअर का भी ऑप्शन मिल जाता है कम ज़्यादा करने का। यहाँ पर टू कप होल्डर मिल जाता है एंड 12 वोल्ट का यहाँ पर सॉकेट अगेन। तो ये था कुछ भाई इसका इंटीरियर, आप लोग एक बार देख लो। एंड पीछे भी आपको यहाँ पर लाइट मिल जाती है। तो ये थी स्कॉर्पियो जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर गाड़ी है। एंड आप लोगों को कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके मुझे जरूर बताना। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं ऐसे को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।